हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 18 के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर क्या है? हम उर्दू में पढ़ते हैं मुज़क्कर मोनस, यानी लड़का लड़की, बिल्ला बिल्ली, उसके अलावा जो हमारे जो मोनस हैं और मुज़क्कर हैं वो हम उर्दू में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ डिफ्रिशिएटिंग नाउन्स एंड प्रोनाउन्स एज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। तो हम इसको चार पार्ट्स में जो है इंग्लिश में डिवाइड करते हैं। नंबर वन जो है वो मैस्कुलिन है और फेमिनिन है और कॉमन है और न्यूटर है। हम इस पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा मैस्कुलिन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट डोनेट्स अ मेल इज कॉल्ड अ मैस्कुलिन जेंडर। जो मेल के लिए यूज़ हो रहा है वो मैस्कुलिन जेंडर है हमारा, यानी कि इसके एग्जांपल्स है बॉय, फादर, सन, हस्बैंड, नेफ्यू, किंग और कुक। अब बॉय लड़का, फादर बाप, सन बेटा, हस्बैंड शौहर, इसी तरीके से नेफ्यू भांजा भतीजा, और इसी तरीके से कज़न भी होता है, और किंग जो है वो बादशाह, और कुक जो है वो मुर्गा। तो ये जो है वो टोटल मैस्कुलिन है, यानी जो हमारे मैस्कुलिन है। और फेमिनिन, अ नाउन दैट डोनेट्स अ फीमेल इज कॉल्ड अ फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल्स गर्ल, मदर, डॉटर, वाइफ, नीस, क्वीन और हिन। अब गर्ल लड़की, मदर माँ, डॉटर बहन, वाइफ बीवी। वाइफ हमारी जो है वो बीवी हो गई, और नाइस जो हमारी कज़न हो गई, क्वीन क्वीन जो है वो शहजादी, हिन जो है वो मुर्गे। हम इसके जो है वो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अ नाउन दैट डोनेट्स अ जेंडर दैट इज आइदर अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड एज कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर जो है वो चाइल्ड, टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड या जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये जो पैसेंजर, यानी कि जो दोनों को जो है वो जो प्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि दोनों के लिए जो यूज़ होता है। जैसे टीचर है तो वो दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड दोनों हो सकते हैं, पेरेंट जो है वो दोनों हैं, और फ्रेंड जो है वो दोनों के लिए, नेबर भी, पड़ोसी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर हमारा क्या होता है? A noun that denotes a gender that is neither a male nor female is called as neuter gender. यानी neuter gender जो है वो ना तो male है ना female है, वो चीज़ों के लिए use होता है, जैसे pen, book, chair, cup, cap, हमारे पास जो है वो, उसके बाद जो window है, हाउस है, कंप्यूटर है, तो ये हमारा न्यूट्रल जेंडर है, जो ना तो मेल है और ना फीमेल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।